हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। माई सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आई दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 4.3 का अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अपने क्लास 10th के NCERT मैथ से बेस्ड है। करें शुरू, बहुत मजा आएगा, इजी क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। पहले देख लेते हैं क्या कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वेयर, कि अपने कोई दो स्क्वेयर है, ठीक है। स्क्वेयर क्या हो दोस्तों, जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल हो और हर एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। समझ गए, है ना, वेरी गुड। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, अगर उनका जो पैरामीटर है, उन दोनों के पैरामीटर का अगर मैं डिफरेंस लूँ, अंतर लूँ, तो वो कितना होता है, 24 होता है जनाब, 24 मीटर है। तो निकालना क्या है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वेयर, तो हमें वो दो स्क्वेयर हैं उनकी साइड निकालनी है। समझ गए, निकालेंगे, सबर करो, थोड़ा रुको जरा। इंग्लिश में है, हिंदी में और देख लेते हैं, वरना हिंदी वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे, है ना। देख लेते हैं एक बार कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर की शक्ति 2 है। ज़्यादा हिंदी होगी ना, मीटर की पावर 2 है ना। अब ठीक है, मीटर स्क्वेयर, मीटर का वर्ग जो लगाना लगा लो, है ना, कि दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफल के अंदर रखा है 468 मीटर स्क्वेयर है, मीटर की घात 2 है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यदि उनका परिमाप जो है उनका मैं अंतर लूँ, तो वो 24 मीटर आता है। आ गया जनाब, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमें जो अपने दो वर्ग हैं उनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। करते हैं ज्ञात दोस्तों। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को, है ना, पूरे क्वेश्चन को मोटा मोटा समझ लेते हैं, है ना, ताकि आगे क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो। अब बात किसकी हो रही है, अपने वर्ग की, यानी बोले तो स्क्वेयर की, ठीक है। तो कैसे, क्या कि एक वर्ग ये है ना, हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो अपनी बात हो रही है सर दो वर्गों की, है ना। अब हमें ना ही इसकी साइड पता, ना ही इसकी साइड पता, एंगल 90 नहीं लग रहा। हाँ, ये मत कहना कमेंट में कि सर एंगल तो 90 का है ही नहीं, बना लेना, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर इसकी साइड एक एक्स है, तो ये भी कितनी होगी, एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स होगी। इसमें क्या, इसकी वाई मान लेते हैं जी, पता तो है नहीं, मानना ही आत्मी मैथ के अंदर, और क्या है, ठीक है। यानी इसकी एक्स और इसकी कितनी y। अब अपना जो स्क्वेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वेयर क्या होता है, साइड का स्क्वेयर हिंदी में बोले तो भुजा की शक्ति 2। अब साइड कितनी है, x है, तो x की पावर 2 बन गया, इसमें क्या बन जाएगा, y की पावर 2। क्लियर है, ओके जनाब। अब एक बात और कह दी कि जो पहले कहता था, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका डिफरेंस दे रखा है जी 468। वाह जी वाह, हो गया, है ना। अब और क्या कि हमें दे रखा है कि उनके परिमापों का योग या अंतर है, कि डिफरेंस दे रखा होंगे पैरामीटर्स का, है ना। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का जोड़, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर कहें जो हमारा होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी, एक्स, यानी 4x, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यानी 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना वाई, और इनका डिफरेंस दे रखा है 24। यानी अपनी दो इक्वेशन आ गई दोस्तों, एक तो ये और एक ये, है ना। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें करना है सॉल्व। ये था मोटा मोटा इसका क्वेश्चन का, कैसे क्या स्टेटमेंट लिखनी, कैसे सॉल्व करना है, वो करते हैं अभी। देखिए दोस्तों, हमने ने क्या लिखा कि लेट एक्स एंड वाई बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वेयर्स, कि जो अपने दो स्क्वेयर है उनकी साइड क्या हो गई, एक की एक्स और एक की y हो गई, एंड 4x एंड 4y इज देयर पैरामीटर, तो उनका एक का 4x हो गया और एक का 4y हो गया, क्या हो गया उनका पेरीमीटर, है ना। हिंदी वाले बच्चे देखें ध्यान से कि माना x और y वर्गों की भुजाएं हैं, ओके जनाब, और उनका परिमाप 4x तथा 4y है,
ठीक है। अब ए टी क्यू क्या कहता है, ए टी क्यू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो क्या पहली बात लिखते हैं जनाब, क्या कि उनके वर्गों का अंतर द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर यानी उनके सॉरी डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज एम आई साइट सम ऑफ देयर सॉरी 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 सम दे रखा है उनके एरियाज का, है ना। तो क्या एरिया का ये हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दूसरे का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना है 468 है, वाह जी वाह, है ना। तो नंबर एक आ गई। सेकंड क्या कहता है कि इट द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर कि उनके परिमापों का अंतर, उनके पैरामीटर का अंतर कितना है 24 है, एक का पैरामीटर ये है और एक का ये है, अंतर कितना है 24 है जी। अभी देखो करते हैं सॉल्व इसको, अब देखो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, क्या किसको बाहर बुला लिया, यहाँ कौन रह गया बेचारा x रह गया और यहाँ कौन रह गया y, बराबर में कितना 24 है। अब 4 मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला गया घर पे नहीं डिवाइड में चला गया, इसके कट कर दिया इसको कितने से 6 से, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई जनाब। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस का साइड आकर प्लस का आ गया जनाब, किसकी वैल्यू आ गई x की आ गई जनाब, ठीक है। अब क्या करना है इस x की वैल्यू कहाँ रख दें इक्वेशन एक में, तो क्या लिखते हैं फटाफट है कि देखिए क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन यानी x का मान समीकरण एक में रखने पर, रख देते हैं जनाब क्या बन जाएगा समीकरण एक अपने ये है, x की जगह 6 प्लस वाई रख देते हैं, रख देते हैं सर आप कह रहे हो तो वरना हम तो रखते नहीं, हम तो कर देते तुक्का मार मार के पूछ के पड़ोसियों से, है ना। नहीं ऐसे नहीं करना, अब देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, हिंदी वाले a प्लस b की पावर 2 यानी a की जमा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, क्या ab लग गया सर, यानी अपना a प्लस b की पावर 2 हो वह क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, इसको लिखते हैं जनाब ऐसे 6 प्लस y का स्क्वायर है, पहले a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर वाह जी वाह, प्लस b कितना है y है तो y का स्क्वायर प्लस में 2 रहेगा, a की वैल्यू मेरी 6 है b की वैल्यू कितनी है y है, यानी इसकी जगह मैं ले सकता हूँ ना 6 का स्क्वायर, ये नहीं है अभी 6 दूनी 12 नहीं, इसका मतलब क्या है कि 6 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है तो 6 6 36 प्लस वाई का स्क्वायर तो ऐसा रहेगा, अब 6 2 12 और साथ में क्या वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 468, है ना। अब क्या किया जाए क्या किया जाए, ना डस्टर कहाँ गया ये रहा, थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको, अब देखिए क्या बनेगा, चल भाई देखिए यहाँ फिर आराम से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 बार है तो 2 वाई स्क्वायर प्लस ये कितने हैं 12y, अब प्लस का 36 है ना, और तू यहीं पर है क्या करें, तो फिर जितना स्टेप में करेंगे आप इसको, ठीक है। अब देखो 2y स्क्वायर प्लस के 12y उठा के ले चलो इसको इस साइड, क्या बकवास कर रहा है ये, है ना, माइनस कर देंगे क्या बचेगा 2y स्क्वायर प्लस के 12y, इसको माइनस करेंगे जनाब कितना बचेगा, यही बचेगा ना चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया जनाब, मैंने क्यों निकाला क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, 2 को निकाल लिया बाहर, यहाँ कितना बच गया वाई स्क्वेयर, 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 6y इज इक्वल में 432। अब क्या करते हैं ये 2 क्या जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। तो जब इसको कैंसिल आउट करेगा ये तो अपने पास आएगा जनाब 216,
यही सड़ा का क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा जनाब। अब करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने, कितने तरीके होते हैं, चार होते हैं, आपको जो इजी लगे उससे कर दीजिएगा। हम करते हैं सॉल्व इसको, कैसे करेंगे, इसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। वो क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इधर क्या है, वन है, दो सोलह की एक से मल्टीप्लाई की इतना आया, एक दो सोलह करते हैं फटाफट फैक्टर दोस्तों क्या आएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने कर दिए, अब क्या इन फैक्टरों को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी एड या सब्ट्रैक्शन कितने आने चाहिए, अपनी सिक्स आनी चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, अपनी 216 आनी चाहिए। तो मैंने सोच विचार किया काफ़ी चार पाँच साल बैठ के, तो मैंने पाया क्या कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 9, 9 टू जा 18 और 2 टू जा 4 एंड 4 3 जा 12, इनकी माइनस की कितना आ गया, 6 आ रहा जनाब मेरा, और इनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, यही आएगी, यानी फैक्टर क्या आ गए 18 और 12। रख देते हैं सर फिर यहाँ पे, रखें क्या, तो वाई स्क्वेयर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर 0। वाई यहाँ पर भी, वाई यहाँ पर भी, क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गई वाई, प्लस में क्या बच गया 18। अब यही चाहिए हमें कहाँ, यहाँ पे है ना, वाई के पास क्या है, माइनस के 12 है, ये निकाल दिया बाहर, इज इक्वल टू 0। अब क्या, वाई प्लस 18, वाई प्लस 18, यहाँ कितना बचा वाई और यहाँ बचा 12, इज इक्वल टू 0। थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब y के प्लस का है उस साइड जाकर, माइनस में ये माइनस का है उस साइड जाकर प्लस में। अब देखिए दोस्तों क्या कोई साइड अपनी माइनस में हो सकती है कि माइनस के 2 फुट का है। अब धरती के अंदर खुदाई करेंगे तो अभी क्या आएगी, भाई 2 फुट खोदा है, 3 फुट खोदा है ना, यही आएगा। यानी अपनी जो है साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये नेगलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। अब वाई की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो यहाँ पे जब वाई की वैल्यू 12 है, यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो कितना बन जाएगा, 18। यानी अपनी साइड्स क्या आ गई, एक साइड आ गई अपनी क्या 18 और एक क्या आ गई 12, ठीक है। यही दोस्तों हमें निकालना था, यहाँ क्वेश्चन हुआ ख़त्म। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फिर आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी डाउट पूछ सकते हैं, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डायरेक्ट अकाउंट पे पहुँच जाओगे आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।